फ्रेंड्स, जब इंसान को सर्दी हो जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। उन्हें किसी भी काम में मन नहीं लगता है और उन्हें तनाव जैसा भी लगता है। तो अगर आपको भी सर्दी हो गई है और आप उसे जल्द ठीक करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में 5 ऐसे टिप्स बता रही हूँ जिसे आप फॉलो करके अपने सर्दी से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ 5 टिप्स जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए कि ये टिप्स छोटे बच्चों के लिए नहीं है, स्पेशली 1 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं फर्स्ट टिप पर। आप किसी भी बर्तन में लगभग 1 लीटर पानी ले लें और उसे गर्म होने दें। गर्म होने के बाद आप एक बॉल में उसे निकाल लें। बॉल को आप किसी टेबल पर रख दें और अच्छे से बैठ जाए, और एक चादर भी ले लें। उस चादर को आप अच्छे से ओढ़ लें ताकि जितने भी स्टीम है वो बाहर न जा सके। फिर आप स्टीम को इनहेल करते रहें। आप तब तक इनहेल करें जब तक कि स्टीम आना बंद न हो जाए। ऐसा आपको सुबह शाम करना है। आप इसे तब तक करें जब तक कि आपकी सर्दी खत्म न हो जाए। अब आते हैं सेकेंड टिप पर। आप हल्के गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। गुनगुने पानी से नहाने से आपके नाक के जो म्यूकस है वो बाहर आने लगेंगे और आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अब आते हैं थर्ड टिप पर। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वार्म लिक्विड्स पीने की। जैसे आप लेमन टी पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं या सूप पी सकते हैं। इस तरह के लिक्विड्स पीने से आपको सर्दी से थोड़ा रिलीफ मिलेगा। फोर्थ टिप है, आप सलाइन ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। आप किसी भी अच्छे कंपनी का सलाइन ड्रॉप्स ले लें। आप अपने नाक के दोनों होल में 2-2 बूंद डालें। ऐसा आपको 1 दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और शाम। इससे आपको कंजेस्टेड नोज से छुटकारा मिलेगी। देखिए, सलाइन ड्रॉप्स ऐसा होता है, आप मार्केट से अच्छे कंपनी का खरीद सकते हैं। अब आते हैं फिफ्थ और लास्ट टिप पर। आप 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें और उसे गर्म कर दें। गर्म करने के बाद आप उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। जब वो हल्का गर्म रहे तब आप उस पानी से गार्गिल कर लें। ऐसा आपको दिन भर में 2-3 बार करना है। ऐसा करने से सर्दी के कारण जो आपकी गले में इरिटेशन होती है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी 5 टिप्स जिसे आप फॉलो करके अपने सर्दी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपकी सर्दी फिर भी ठीक नहीं हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।